पहले आज अपन ये कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले ये पी दे रखा है, ये क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो एस कोई दे रखा है ए कोमा जीरो, तो हमको हरात्मक माध्य इसको बोलते हैं, हार्मोनिक में। ठीक है, तो वैसे हमने सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, एपी जीपी एचपी, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको हार्मोनिक मीन का मतलब बता रहा हूँ क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड। एपी का मैं बता देता हूँ, एपी में यदि तीन टर्म है ए बी, तो इसका एपी का है ना अर्थमेटिक मीन निकाले ना ए एम, तो ये होता है ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, दो भाई दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करना, दैट इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और इसका ही ज्योमेट्रिक मीन निकाले तो वो होता है ए डॉट बी इसकी पावर 1/2 जीएम। ठीक है, हार्मोनिक हमेशा वैसे ही हम पढ़ते हैं सीरीज। एपी एपी होती क्या है, ए प्लस आर, ए प्लस 2 आर, ए प्लस 3 आर, पढ़ के आए हो ना, ये होती है एपी। मतलब इन दोनों का डिफरेंस आर है, इन दोनों का भी आर है, इन दोनों का भी आर है, जब डिफरेंस कॉमन रहता है दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, और जीपी क्या होती है, जीपी होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये आपकी होती है जीपी। ये अपॉन ये करोगे, देखो ए आर अपॉन ए करा तो भी आर मिला, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करा तो भी, मतलब समझ गए, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड, ये आपकी होती है जीपी, ये होती है एपी। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो एचपी होती है वो क्या होती है, एपी का रेसिप्रोकल होता है, बस यही पढ़ते हैं। एचपी हार्मोनिक मीन होता क्या है, हरात्मक श्रेणी, वो होती है कि जो एपी है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये एपी है तो एपी का रेसिप्रोकल मतलब 1/a, 1/a, ये समझ गए, 1/, इसका रेसिप्रोकल लेना है बस, दैट इज वॉट एचपी, ये आपकी हो गई एच पी। तो वो सेम चीज है कि भाई ए एम है ना इसका, ये 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 समझ लिया आपने, कोई इसको एक क्वांटिटी समझ लिया आपने, ये समझ लिया आपने, ए समझ लिया, ए तो चलो ले लिया, इसको कैपिटल ए समझ लिया, अर्थमेटिक। तो हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो भी इसका बस रेसिप्रोकल होगा, 1/a की जगह इसको एच ले लो, ये 1/a 1/b बाय टू, समझ में आया ना, तो बस ये हो जाएगा हार्मोनिक मेन इज दिस। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है, मैंने तो आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा बताया। तो आपको क्या है, पी कोई पॉइंट गिवन है, क्यू कोई पॉइंट गिवन है, एस कोई पॉइंट गिवन है, तो अपन को एस पी और एस क्यू का क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले एच पॉइंट समझ लिया, ठीक है, तो ये समझ लिया हार्मोनिक मीन एच आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1/h इक्वल्स टू 1/sp, 1/sq और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपन को क्या निकालना है, अपन को h निकालना है, तो यहाँ से 1/h क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करा एलसीएम लिया sp और sq, और यहाँ पे फिर वापस क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, sp प्लस sq हो जाएगा, एग्जैक्टली भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये यहाँ आपका आ जाएगा 2। फिर इस पूरा अपन को क्या चाहिए, अपन को एच चाहिए, तो एच के लिए ये क्या हो जाएगा, 2sp sq अपॉन ये क्या हो जाएगा, sp plus sq, इज दैट क्लियर, ये यहाँ से फॉर्म होगा। अब यू शुड ऑलरेडी नो दिस, ये आपको पहले से आना चाहिए था, बट कोई नहीं, वो चैप्टर आपने भाई याद नहीं हो तो मैंने रिकॉल करवा दिया, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे कि भाई सर ये यहाँ क्या लेना, क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं आता। अब ये क्वेश्चन किसका है, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का है, बट इसको ये भेज दिया कहां पे, समझ गया ना, दो चैप्टर को मिला दिया, अब ये दूसरा चैप्टर। अब आओ वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है, एस देना है, तो हम एस पी नहीं निकाल सकते, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और एस क्यू भी क्या है, डिस्टेंस, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। फोटो ले लिया करो जो लिखती। अब देखो एस पी क्या है, पहले तो मुझे बताओ एस पॉइंट क्या है, एस यहाँ चलो और मैं आपको क्लियर, एस आपका हो गया 1.0, पी क्या है बताओ, 80 स्क्वायर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी
माइनस टू अपॉन टी हो गया. इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ एस पी क्या है. इसमें से इसको घटाओ तो 80 स्क्वायर माइनस ए. ठीक है, मैंने इसमें से इसको घटाया 80 स्क्वायर माइनस ए, फिर होल स्क्वायर करा, ए को कॉमन ले लिया और 280 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और वापस एस क्यू क्या हो जाएगा? एस क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1. मैंने क्या करा, इसमें से इसको घटाया, a को कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर, और दूसरा वापस क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसको सॉल्व करा, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो यहां पे ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा यहां पे, ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, इसको भाई समझ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो टी की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, उसको ए स्क्वायर टी की पावर 4 को माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर और t स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस क्या है 4a स्क्वायर t स्क्वायर दे रखा है. मेरी बात समझे या नहीं समझे? अपन ने इसका स्क्वायर खोला, क्या होगा, चलो यहाँ यहाँ इसको इसको देखो, अलग से डिफिकल्टी आ रही है तो देख लो, a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर गया, t स्क्वायर का होगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 t स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ से करा ए स्क्वायर टी की, समझ गया ना, ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये प्लस में वापस दिया हुआ है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बहुत कमाल की चीज हो जाएगी, वो ये जो एस पी आपका है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर. और इसको कंबाइन क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर. समझ गए ना, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर करोगे तो देखो ये आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर टी की, और 2ab करोगे तो ये मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? और 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपका एस पी क्या मिलेगा, 80 स्क्वायर प्लस ए. इज दैट क्लियर? तो यहां से आपका एस पी सीधा आप बोल सकते हो क्या, 80 स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस ए, ए कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज योर एसपी. इज दैट क्लियर? थोड़ी कैलकुलेशन पे करनी होगी धीरे धीरे. अब देखो दूसरा करा, दूसरे में हम थोड़ा सा क्विक होते हैं, इसमें भी सेम चीज होगी, 1 अपॉन टी की पावर 4 होगी, यहाँ 1 होगा, फिर ए स्क्वायर करोगे प्लस का 280 करके इसको सेटल कर देगा. मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा आपका, एक तो आएगा ये अंडर रूट भी पे बताए, भले हटा देता हूँ, ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब यही रहेगा. पूछो कैसे, इसका स्क्वायर देखो, रूट ऊपर है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या बचेगा, पहले बचेगा ए स्क्वायर टी की पावर 4, यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर, फिर माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, उसको ये सेटल कर देगा. इज दैट क्लियर ना? तो ओवरऑल आपको क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा, वहां से a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर बच जाएगा. इज दैट क्लियर? यहां से बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sp sq, दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, sp ये आपका 2 रहा, sp क्या है, a अपॉन 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और एस क्यू क्या है, एक a है तो a स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है, एस पी प्लस एस क्यू, तो एस पी प्लस एस क्यू क्या हो जाएगा, a पूरा ही बाहर कॉमन ले लिया, एक तो रहा 1 प्लस टी स्क्वायर, और a क्या रहा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. यहाँ से देखो और इसको सॉल्व करा, एक a से कैंसिल हो गया, ऊपर रहा 2 ए टी स्क्वायर को यहाँ भेजा, ठीक है, नीचे वाला टी स्क्वायर दोनों में रहेगा कैंसिल कर देगा, और ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये यहाँ आ गया,
टी स्क्वायर, नीचे एक टी स्क्वायर रहा, वैसे यहां पे ले लिया, एक सेकंड रुकना, नीचे वाला टी स्क्वायर, फिर नीचे थोड़ी चीजें चेंज होगी। नीचे क्या चेंज होगा, नीचे भी टी स्क्वायर लिया तो ये तो क्या बन जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको भी ऊपर नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पूरा नीचे से कॉमन लेना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, और यहां क्या मिलेगा, वन प्लस टी स्क्वायर। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ए से ए को कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या रहा, एक टू रहा और ए रहा, फिर यहां से टी स्क्वायर कॉमन लिया, एलसीएम लिया, यहां टी स्क्वायर प्लस वन हो गया, नीचे एक टी स्क्वायर बचा, ये वन प्लस टी स्क्वायर, इसीलिए इसका होल स्क्वायर हुआ, नीचे एक टी स्क्वायर पड़ा है, इसमें नीचे यहां एलसीएम लिया, नीचे पूरा एक टी स्क्वायर आ गया, इसमें क्या करा, नीचे टी स्क्वायर था नहीं, ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो नीचे भी एक टी स्क्वायर, उसके नीचे उसको कैंसिल कर दिया, यहां क्या मिला है, टी स्क्वायर से ऊपर जो मल्टीप्लाई करा ना, टी स्क्वायर और ये वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, इसमें इसको एलसीएम लेके करा था तो ये बन गया, इज दैट क्लियर। यहां से वन प्लस टी स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर वाले एक से कैंसिल कर दोगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा क्या, टू ए वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से भी देखो ये कॉमन लेते ये वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से टू है आपका आंसर हो जाएगा। देखो उम्मीद मत करना क्वेश्चन इतने ईजी आएंगे, सीधे ही हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, बहुत बुरी कैलकुलेशन, और ठीक है, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज ईजी वन, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, फोटो लेना जल्दी, कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत आ रही है, आप खुद किया करो, ये लाइक स्लो था, इससे स्लो में लाइक बेस्ट, समझ में है ना, खुद से करना रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको मैं कोसाइन फॉर्मूला है, जो वैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं, उसके बाद से आपको ये फॉर्मूला ऐड करना है, ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिगो, ये क्वेश्चन भी मैं रेज कर रहा हूं, अगले वाले क्वेश्चन के लिए ये काम है। कोसाइन फॉर्मूला, अब देखो यदि आपने एक ट्राइंगल लिया, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, नेमिंग जब करते हैं हमेशा सी के सामने वाली साइड लेट कर ली सी, ए के सामने लेट कर ली ए, बी के सामने कर ली बी, ए का यहाँ एंगल अल्फा समझ लिया, बी का बीटा समझ लिया, सी का क्या गामा समझ लिया, अब यहाँ से अपन एक लाइन बना, ठीक है, तो यहां से कंपोनेंट लिया, देखो मैं कंपोनेंट लेना आपको सिखा देता हूं, इसका एक में मैं मीनिंग बता दूंगा, बाकी फिर अपन सीधे ही ये चीज ध्यान रखना, ये एंगल आपने गामा समझ लिया। कंपोनेंट का मतलब है यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना वो आपका बी, और नीचे ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस अल्फा हो जाएगा, यहां से ये एकदम 90 डिग्री पे लाइन बनाएगी, तो ये जो सी ए की लेंथ है ना ये क्या होगी, बी कॉस कॉस अल्फा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एंगल है और यहाँ बीटा है, तो इसकी लेंथ बी सी की लेंथ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ए कॉस बीटा हो जाएगी। अब इसमें एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका हल्का सा, बाकी आप याद रखो कंपोनेंट नीचे की साइड कॉस होता है, ऊपर की साइड साइन कंपोनेंट होता है, इसका मीनिंग ये होता है, यहाँ अल्फा लिया ना तो जैसे इस लेंथ को ले लिया सी, और यहाँ आपने समझ लिया कुछ टाइम के लिए, मैं यहाँ समझ लेता हूँ आपने डी समझ लिया, तो यहाँ से मुझे, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ कि भाई ये सी ए है, इसको मैंने बी कॉस कैसे लिखा, इसका रीजन है। तो देखो कॉस अल्फा क्या होता है, आपको पता है कॉस क्या होता है, बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस को लिख दिया बेस, सी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, यहां से सी ए की लेंथ क्या होगी, बी कॉस है, इज दैट क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट आपने समझना, ये 90 है, इधर जो लेंथ होती है ये बी, समझ गए ना, कॉस अल्फा, इधर वाला क्या हो जाएगा, बी कॉस बीटा, ये कंपोनेंट लेनी होती है। अब देखो यहां से जो एक तो ये सी के सामने है, मतलब पूरी लेंथ आप बोल रहे हो क्या है, सी है, तो सी लेंथ को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा, ये सी ही है, इज दैट क्लियर। इसको वापस हमने सी से मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका सी स्क्वायर ए सी कॉस बीटा प्लस बी सी कॉस गामा
इज दैट क्लियर? मैंने सी से मल्टीप्लाई करा. अब सिमिलरली मैं यदि कहां पे बी, हाँ बिल्कुल सही है. अब सिमिलरली आप मुझे बताओ ए स्क्वायर क्या होगा. ए स्क्वायर वैसे अपन यहां से भी देख सकते हैं और मैं यहां से भी बता दूंगा आपको, उससे भी बता दूंगा. और यहां यहां से सिमिलर करते हैं, यहां था सी, ठीक है, यहां ध्यान से देखना, यहां सी था तो यहां आगे ए भी चल रहे थे और पास में सी था, तो ए स्क्वायर है तो यहां ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉस होगा. यहां यहां किस में से एक आएगा, यहां इस बार आएगा बी और सी में से एक आएगा, क्योंकि जब सी था तो ये क्या था ए बी, तो ए है तो क्या है बी और सी में से, मैं बताऊंगा अलग से आपको. और यहां एंगल कुछ आएगा और एक यहां ए फिक्स है और एक यहां कॉस आ जाएगा. तो देखो बीटा आया ए के पास, तो बीटा मतलब इसके ऊपर की लेंथ ए थी, तब क्या था बीटा, ऐसा कंपोनेंट लिया. अब यहां ए की बात हो रही है मतलब इस लेंथ को लिखना है, इस लेंथ को लिखना है, तो एक तो क्या हो जाएगा C cos बीटा और A क्या हो जाएगा B cos गामा हो जाएगा. मेरी बात समझे या नहीं? A क्या होगा B, देखो यहां से भाई इसको भी ऐसे लाइन बना के A कंपोनेंट क्या होगा B cos गामा, तो यहां लिख दो B cos गामा, मतलब यहां B और गामा साथ में आएंगे. मेरी बात समझे, B गामा साथ में आएंगे और C और क्या साथ में आएंगे, बीटा साथ में. मेरी बात समझे या नहीं समझे? A तो क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई करा, पहले A को लिखा है क्या C cos बीटा और B cos गामा लिखा है, फिर A से मल्टीप्लाई करा. सिमिलरली B स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर आपका हो जाएगा, B स्क्वायर मतलब पहले B निकालना पड़ेगा फिर B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से एक लेंथ तो क्या हो जाएगी A cos गामा, तो ये आपका A cos गामा, क्योंकि इस लेंथ की बात करना कर रहे हैं, यही लाइन ली, सेम कॉन्सेप्ट कंपोनेंट लेना. और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, सी C और ये cos क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और इसमें b स्क्वायर मतलब b से फिर क्या करा मल्टीप्लाई करा, ये किसकी लेंथ है b की. तो अब यहां से इसको आपने 1 समझ लिया, इसको 2 समझ लिया, इसको 3 समझ लिया. अब आप 2 प्लस 3 ऐड करोगे, तो 2 प्लस 3 ऐड करोगे तो एक साइड तो क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया. फिर ध्यान से देखना AB cos gamma, AB cos gamma, ये तो ऐड हो जाएगा, और एक क्या बचा CA या AC, एक ही बात है AC cos beta, तो देखो AC cos beta, और दूसरा क्या हुआ BC या CB, एक ही बात है CB cos alpha हो गया. तो समझ गए ना, तो इन दोनों को मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा C square बनेगा. तो एक तो क्या आ गया C square और दूसरा क्या आ गया बताओ 2AB cos गामा होगा. मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां से जो सी स्क्वायर की वैल्यू है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos गामा. Is that you? इससे और मैं आपको ट्रिक दे देता हूं. देखो अभी हमने इसका प्रूफ एकदम समझ के करा है, अभी इसकी ट्रिक, जब भी आपको निकालनी पड़े लेंथ ये सी, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस लेंथ के अलावा दूसरी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये और इनके बीच का एंगल. मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो अब आपको वो सारे फॉर्मूले बोलने हैं, सी स्क्वायर बोल दिया, तो अब मुझे बताओ बी स्क्वायर क्या होगा. बी मतलब ये, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसको छोड़ दिया, ए स्क्वायर बोलो सी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर की लेंथ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू इसका, बिल्कुल सही, 2AC और ये क्या हो जाएगा cos बीटा. ये बहुत फेमस फॉर्मूले है, ठीक है, और वैसे ही आप क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2AC अल्फा हो जाएगा. क्यों a की बात हो रही है, मतलब ये साइड, ये साइड 2 इंटू bc और नहीं bc है यहाँ. फॉर्मूला इजी है या नहीं है? तो आपको ये तो याद होने चाहिए, इट वॉज प्रूफ. इज दैट क्लियर? समझ में आया कोई दिक्कत? वो तो समझ गया ना, ट्रिक से याद रखना, एग्जाम में कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं. बट प्रूफ क्या है ना, कोई इसको करने का मीनिंग ये है, कोई चीज आंखों के सामने चलती है ना तो वो थोड़ी लंबे ड्यूरेशन तक याद रहती है, और हम मैथ्स के अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है. अब यहां से कि भाई इस क्वेश्चन का इससे क्या लेना देना था, ओ क्या है सेंटर है, P और Q क्या है, कोई दो पॉइंट दे रखे हैं. अब देखना इसका इससे लिंक करते हैं कि यदि आपको सोचो ये चीज आती,
ओ कोई समझ लिया आपने सेंटर है, ठीक है, सेंटर मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो कोमा जीरो हो गए, ठीक है, जीरो कोमा जीरो हो गए, और दो आपने पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया पी, कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं एक्स वन वाई वन, और दूसरा दे दिया क्यू, कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू और वाई, एक ओ दिया है, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं क्या पी और क्यू, और आपको पूछा है ओ पी और ओ क्यू, ओ पी मतलब आपको ये वाली लेंथ है ओ पी, और ये वाली क्या है ओ क्यू है, और पी ओ क्यू क्या है बीच का एंगल, ठीक है, ये बोल रहा है आपको निकालना है ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू और बीच वाला एंगल, तो कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या, इस सेम क्वेश्चन में अपन फॉर्मूला बनाए अपना वाला, मेरी बात समझे, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, पी क्यू की लेंथ होगी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस टू ओ पी ओ क्यू कॉस ये बीच वाला एंगल, और पूछा क्या है ये समझ गए ओ पी ओ क्यू, तो इज दैट रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो यहां से आपका आंसर क्या होगा, चलो मैं वापिस इसको आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूं, यहां से पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर माइनस टू ओ पी ओ क्यू कॉस, और ये एंगल आ गया क्या पी ओ क्यू, आपको ये चीज पूछी है, तो बस इसको नहीं निकाल सकते क्या, क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा ओ पी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसको पूरे को उधर भेजा और माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, दैट वुड बी योर आंसर, मेरी बात, इस पूरे को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इन दोनों का सम हो गया, फिर ये टू निकला, इसको टू से डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, दो मिनट में आया नहीं आया, और इसका आंसर तो आपको अब बस लिख दो, इसका आंसर क्या दिक्कत है, ओपी क्या है बताओ, ओपी है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, यहां लिख देते हैं अभी, अभी देखो यहां से जी हाँ दिख रहा है क्या, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा वाई वन स्क्वायर, मैंने इतना सीधा कैसे लिखा, क्योंकि x1 माइनस जीरो का स्क्वायर y1 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर स्क्वायर ही निकालना है, तो रूट लिखा नहीं, और OQ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसका भी दो मिनट से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि x2 माइनस जीरो y2 माइनस जीरो, ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर अब माइनस करना है PQ, PQ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आपका क्या है टू है, यहां से कमाल की बात क्या ना, यहां बस इतने में हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर करोगे ना तो क्या आएगा एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाई टू, तो ये चारों नेगेटिव बन जाएंगे, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, और ये चारों पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा कौन, एक तो बचेगा 2x1 x2 प्लस 2y1 y2, समझ गए ना, इस 2ab वाली टर्म, और अपॉन क्या है अपॉन 2 दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा x1 x2 y1 y2, समझ में आया है, क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन से ज्यादा, देखो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, समझ गया ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कोई सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले का, आप नाइन्थ क्लास में नहीं हो, 4.3 और 5.6 का डिस्टेंस पूछ लेगा, नहीं, डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्वेश्चंस विल बी जस्ट लाइक दिस, अब ये डिस्टेंस पे था या नहीं था क्वेश्चन, किस पे था ये क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूले पे था, यहाँ ओपी ओक्यू डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हैं, बट कैसे पूछा इसने, इज दैट क्लियर ना, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर, ठीक है, बाकी की क्लास आपको